हर कंपटीशन की तैयारी में करंट अफेयर्स एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए कंपटीशन कम्युनिटी आपके लिए लाए हैं कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम। यह प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि 25 घंटों का यह प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें 6 घंटे छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स, 5 घंटे छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे, 10 घंटों का नेशनल करंट अफेयर्स के साथ 4 घंटों के इंटरनेशनल करंट अफेयर, कुल मिला के 25 घंटे हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले हैं। केवल वीडियो ही नहीं, आपको इसके साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। 12 जनवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, इस बात को ध्यान रखना, और 15 जनवरी से यह प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है। मात्र ₹1,000 के नॉमिनल कॉस्ट पर यह प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। हर एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स और एक्टिविटी को इस करंट अफेयर्स में शामिल किया गया है। तो दो अपनी तैयारी को धार और जुड़ो कंपटीशन कम्युनिटी के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर प्रोग्राम के साथ। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं फिर से आपका FTR 3.0 सीरीज में, और यह जो है हम भारत के इतिहास का भाग 9 डिस्कस करने वाले हैं, और भाग 9 में हम मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न दिख रहा है, यह दिख रहा है कि घाघरा की लड़ाई के बारे में निम्न तत्वों पर विचार हमको करना है। पहले तो बात करते हैं घाघरा की लड़ाई। बोल रहा है कि अफगान राजा महमूद लोदी और मुगल सम्राट बाबर के बीच लड़ा गया। तो यहां मैं आपको बता दूं कि घाघरा का युद्ध जो है यह बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध था। 1529 की बात हो रही है। यह युद्ध लड़ा गया था बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था, जो कि लोदी वंश यानी कि इब्राहिम लोदी का ही भाई था। महमूद लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया यह युद्ध जो है 1529 में था। यह युद्ध ऐसा था जो पहली बार जल व थल में लड़ा गया था। देखो ये था घाघरा युद्ध का मतलब है कि घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया, और घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया था इसलिए घाघरा का युद्ध है। पहली बार नावों का प्रयोग किया गया था, और इसमें बुरी तरीके से पराजित करता है बाबर किसको, तो महमूद लोदी को, समस्त लोगों को मार करता है। यहां पर बंगाल का बादशाह नुसरत खां भी यहां पर, तो बड़ी बुरी तरीके से परास्त होता है महमूद लोदी, और यह बाबर के द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। क्यों अंतिम लड़ाई थी? अंतिम लड़ाई इसीलिए थी क्योंकि दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती। पहला ऐसा शासक जिसको दो बार दफनाया गया था, पहला ऐसा मुगल शासक जिसको दो बार दफनाया गया था, क्योंकि पहली बार इसको आपने दफनाया था आगरा में, आगरा के आराम बाग में इसको दफनाया गया था, और उसके बाद 2 साल के बाद बाबर की इच्छा अनुसार इसको काबुल में दफनाया गया, और काबुल के बाग ए बाबर में दफनाया गया था। काबुल के 2 साल के बाद हुमायूं ने इसको काबुल में दफनाया गया था, क्योंकि बाबर को बाग लगाने का बहुत शौक था। तो इसकी मृत्यु हो चुकी थी 1530 में। यही जो है बैटल ऑफ घाघरा बाबर की अंतिम लड़ाई मानी जाती है। तो क्या बोल रहा है, मुगल द्वारा भारत पर विजय की अंतिम बड़ी लड़ाई थी यहां, क्योंकि बाबर जब आया 1526 में तो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा, फिर जब आया 1527 में तो वह युद्ध लड़ेगा खानवा का, फिर जब आएगा 1528 में तो चंदेरी का, और फिर 1529 जब आएगा तब वो कौन सा युद्ध लड़ रहा है, घाघरा की लड़ाई, जो कि घाघरा नदी के किनारे थी। याद रखना पहली बार नावों का प्रयोग इसमें किया गया था। तो चलिए क्या बताना है हमको, सही कथन बताना है। दोनों कथन जो है वह बिल्कुल सही है। सो आंसर है आपका सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमने बाबर से डिस्कस किया है, अब देखो अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं अकबर के बारे में। अकबर के दरबार में खाने खाने की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बैरम खान, अब्दुल रहीम, अबुल फजल या टोडरमल, इन चारों में से कौन था जिसने पहली बार उपाधि पाई थी खाने खाना की? तो इस प्रश्न में दरबार में खाना खाने की उपाधि, देखो बैरम खान के बारे में बात करते हैं। बैरम खान जो है ये अकबर का संरक्षक था। जब हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया था, जब हुमायूं ने दिल्ली फतह किया था तब लाहौर का सूबेदार उसने अकबर को नियुक्त किया था, और तब उसने संरक्षक के तौर पर रख दिया था किसको, बैरम खान को संरक्षक के तौर पर रख दिया। बैरम खां को जब संरक्षक के तौर पर रखा गया तो याद करना बैरम खां को उपाधि भी दी गई थी। वह उपाधि कौन सी थी? खाने खाना की उपाधि इसको दी गई। और यह उपाधि प्राप्त करने वाला पहला कौन हुआ? तो बैरम खां जो है वो पहला शख्स होगा जिसने खाना खाने की उपाधि प्राप्त की। खाने खाने के साथ इसने वजीर की भी उपाधि प्राप्त की थी, मतलब समझ लीजिए इसको वजीर बना दिया गया था, प्रधानमंत्री बना दिया था। वकील ए वजीरात भी कहा जाता, यानी कि वकील हो गए, वजीर बोले या फिर हम प्रधानमंत्री बोले, एक ही बात हो जाती है इस समय की। ये तीनों ही पद जो है वह इसके लिए रखे गए थे, किसके लिए? तो बैरम खां के लिए रखे गए। वजीर का पद पहले भी था, पहले जब आप बाबर को देखोगे तब भी वजीर था, हुमायूं देखोगे तब भी वजीर था, लेकिन जब अकबर आया तो वजीर का पद जो है शुरुआत में हुआ, लेकिन बाद में खत्म कर दिया गया वजीर का पद। कारण था कि बैरम खान ने विद्रोह कर दिया था। जब उत्तर भारत में जीत हासिल की थी तब संरक्षक जो है बैरम खान ने विद्रोह कर दिया था, और विद्रोह में तलवारा के युद्ध में बैरम खान को पराजित करके बंदी बना के लाया गया था, और जब बंदी बना के लाया गया था तब सामने प्रस्तुत किया था अकबर के बैरम खां को, और जब सामने प्रस्तुत किया गया था तब अकबर ने कहा था कि मैं आपको खोना नहीं चाहता, मैं एक पिता को पहले ही खो चुका हूं, क्योंकि कौन था, पिता की तरह था बैरम खां, उसका संरक्षक तो था ही,
एक पिता को पहले खो चुका हूं, मैं दूसरे पिता को नहीं खोना चाहता, आप एक काम कर दो पिताजी, बैरम खान जी जिसको खान बाबा कहते थे, याद रखना खान बाबा भी किसको कहा जाता था, तो खान बाबा भी बैरम खान को कहा जाता था। खान बाबा एक काम करो, मक्का मदीना हुआ, जब मक्का मदीना जा रहे थे बैरम खान साहब, तब गुजरात के पाटन में रोका गया एक आदमी जिसने मुबारक खान, मुबारक खान ने इनकी हत्या कर दी, क्योंकि कहा जाता है कि जब मच्छीवाड़ा का युद्ध हो रहा तब इस बैरम खान ने ही उस मुबारक खान के पिताजी की हत्या की। तो पलट बात देखिए, मुबारक खान ने हत्या कर दी, इस तरीके से बैरम खान का अंत हो जाता है। और सीख लेता है अकबर, इसीलिए अकबर ने वजीर के पद को महत्वपूर्णता को खत्म करने के लिए, मतलब कम करने के लिए, महत्ता को कम करने के लिए अकबर ने वजीर के समकक्ष दूसरे पदों को यहां पर बनाया था। दीवान का पद जो है अभी आ चुका था, मीर बख्श का पद अभी आ चुका। तो याद रखना खाने खाने की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, वह था बैरम खान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न युद्धों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाओ, कौन कौन से युद्ध हैं, खानवा, कन्नौज, पानीपत का दूसरा युद्ध और उसके बाद चौथा का युद्ध है, इन चार युद्धों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको जमाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं खानवा के युद्ध के बारे में। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो यह युद्ध जो है 1527 में हुआ था। यह युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच में यह वाला युद्ध हुआ था जो 1527 में लड़ा जा रहा है। खानवा के बारे में अगर बात करें तो खानवा जो है भरतपुर में पड़ता है। देखिए खानवा युद्ध में कहा जाता है कि अगर आप बाबर की बात कर रहे हो तो तुजुके बाबरी, जो कि बाबर की आत्मकथा है, कहा जाता है कि तुजुके बाबरी के अनुसार भारत में इनवाइट करने वाला बाबर को कौन था, तो राणा सांगा था। राणा सांगा ने बाबर को भारत में इनवाइट किया तुजुके बाबरी के अनुसार। और तुजुके बाबरी में बाबर लिखता है कि राणा सांगा का कहना था कि मैं राजस्थान से आ रहा हूं और आप आइए काबुल से, और यहां पर हम लोधी को हराएंगे, क्योंकि राणा सांगा का भी सपना था कि यह उत्तर भारत में स्वयं काबिज होना चाहता था, दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहता था, इसीलिए इसने इनवाइट किया था बाबर को और खानवा का युद्ध हुआ था। लेकिन जब पानीपत की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब कोई भी सहयोग जो है राजपूतों की तरफ से, मतलब समझ लीजिए राणा सांगा की तरफ से, बाबर को नहीं मिला था, और इसीलिए यह एक बहुत बड़ा कारण बनता है खानवा के युद्ध का। दूसरा, उसके बाद जब बाबर गद्दी पर बैठा तो बाबर को एज अ सम्राट भी स्वीकार नहीं कर रहा था राणा सांगा, और सहयोग ना करने की वजह से ही जो युद्ध हुआ वह युद्ध कौन सा हुआ, तो वह हुआ खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में देखने को मिलता है। और इस युद्ध के बारे में और कुछ बातें आप याद रख लीजिए, इस युद्ध में यह जो युद्ध है इसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर देखा जाए तो लड़ नहीं पा रहे थे राजपूतों से, मुगल सैनिक जो है राजपूतों से लड़ नहीं पा रहे, तब जाके मुगल सैनिक कहने थे, और ये जो बाबर है शराब पीकर पड़ा रहता था, सैनिक कहते थे कि आप तो शराब पी रहे थे, तब यहां पर बाबर ने शराब को भी त्यागा था और साथ में बाबर ने कहा था कि क्या बात कर रहे हो आप, ये तो धर्म युद्ध है, ये तो जिहाद है, इस तरीके से उसने जोश भरा था अपने सैनिकों में। और याद रखना जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया गया, तो खानवा के युद्ध में दिया गया था। और होगा क्या, आखिरी चरण में बारूद बंदूकों का इस्तेमाल होगा, जबकि राजपूतों के पास तो तलवारें थी, और इसीलिए यहां पर राणा सांगा की हार होगी और इस युद्ध में बाबर की भी विजय होती। कहा जाता है कि यहीं पर पत्नी है राणा सांगा की, जिनका नाम है कर्मावती, कर्मावती को बाबर ने अपनी हिंदू पुत्री भी कहा था, बाबर काफी सम्मान करता था महिलाओं का। तो यह था आपका खानवा का युद्ध जो कि 1527 में लड़ा गया था। अगले युद्ध की बात करता हूं, यह युद्ध दिख रहा है कन्नौज का युद्ध, उसके बाद बात करते हैं कन्नौज के युद्ध की और उसके बाद बात करते हैं चौसा के युद्ध की। देखो पहले जो हुआ था वो चौसा का युद्ध हुआ था, यह 1539 में था, और 1540 में जो हुआ था वो कन्नौज का युद्ध था। यह युद्ध, दोनों ही युद्ध जो है वो हुमायूं से संबंधित है। यह हुआ था हुमायूं वर्सेस शेर खान या शेर शाह सूरी के साथ हुआ था, तो यहां पर शेर खान के साथ लड़ा गया था कौन सा युद्ध, ये वाला युद्ध है आपका चौसा का युद्ध, और हुमायूं वर्सेस ये वाला युद्ध भी शेर शाह के साथ लड़ा गया था। तो पहले जो है वो हुआ था चौसा, और चौसा के बाद कौन सा युद्ध दिख रहा है आपका, कन्नौज युद्ध दिख रहा है। कन्नौज के युद्ध में शेर खान जो है बुरी तरीके से पराजित करता है। यहां पर देखना चौसा जो है वो बिहार में यह क्षेत्र पड़ता है, और इसमें शेर शाह सूरी ने परास्त किया था हुमायूं को। हुमायूं भागते भागते नदी में कूदना पड़ता है, गंगा नदी करनासा नदी के किनारे पर इसको कूदना पड़ जाता है, और उसके बाद एक भिस्ती जो है, यहाँ पर इसी युद्ध के दौरान की घटनाओं की बात बता रहा हूँ, एक भिस्ती जो है वह इसकी जान बचाता है, नदी में कूदता है जान बचाता है। भिस्ती के जान बचाने की वजह से कहता है हुमायूं की, बोल तुझे क्या चाहिए, वो भिस्ती कहता है कि मुझे एक दिन के लिए सम्राट बना दीजिए। तब जब हुमायूं वापस आता है, मतलब ये सूर्यवंश खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जब 1555 में जब हुमायूं वापस आएगा, तब 1555 के काल में वापस एक दिन का सम्राट बनाता है किसको, तो भिस्ती को। भिस्ती के नाम पे चमड़े के सिक्के चलाए जाते हैं, तो याद रखना भिस्ती के नाम पे चमड़े के सिक्के चलाने वाला शासक कौन है, तो वो नाम लेना है आपको हुमायूं, जो 1555 में चलाए जाते हैं। और उसके बाद हुआ था कन्नौज का युद्ध, जब फाइनली जो है अंतिम रूप से हुमायूं को पराजित कर दिया गया था, और भारत में फिर से द्वितीय अफगान वंश की स्थापना हुई थी, सूर्यवंश की यहां पर स्थापना हो चुकी थी। इतिहासकार इस युद्ध के बारे में लिखते हैं कि यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें ना ही तीर चले थे और मुगल सेना जो है वो बिल्कुल परास्त हो चुकी थी। उसके बाद बात करते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई की,
तो पानीपत की दूसरी लड़ाई का जो समय दिख रहा है वह है आपका 1556, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया यह वाला युद्ध था पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 1556 में हुई थी। तो अगर इस तरीके से हम देखें तो हमको जो आंसर दिख रहा है वह दिख रहा है पहले खानवा, यानी कि पहले जो दिख रहा है वह है खानवा, खानवा के बाद दिख रहा है चौसा, चौसा के बाद दिख रहा है कन्नौज और कन्नौज के बाद दिख रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई। सो सी इज द आंसर, सॉरी पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो अब चलते बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कलनौर स्थान जो है वो क्यों जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कलनौर जो है स्थान क्यों जाना जाता है। अकबर का जन्म स्थान था, राज्यारोहण हुआ, विवाह स्थल के रूप में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न आपसे एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है कि जब अकबर का, जब मान लीजिए हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय अकबर कहां पर था, या फिर अकबर का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था। यह दोनों प्रश्नों का जवाब होगा कलनौर यानी कि पंजाब। जब हुमायूं की मृत्यु हो रही थी तब अकबर जो है सिकंदरपुर से लड़ाई करने में बिजी था और वो कलनौर में था, तब उसको न्यूज मिलती है हुमायूं की मृत्यु की न्यूज मिलती। तो याद रखो जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तब अकबर कहां पर था, और क्योंकि अकबर यहां पर था इसीलिए बैरम खां कौन था, जो कि अकबर का संरक्षक था, बैरम खां डिसाइड करता है कि राज्याभिषेक किया जाना चाहिए अकबर का 1556। तो इसीलिए दिन याद रखिएगा 14 फरवरी 1556 का, यह वो दिन था जिस दिन अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। कहां हुआ था, कलनौर में हुआ था। तो इसीलिए कलनौर जो है वो अकबर के सम्राट के राज्यारोहण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो क्या बोलता है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यह हमको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं। जजियाकर की समाप्ति, दास को प्रथा को समाप्त करना, सती प्रथा की समाप्ति और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, चारों ही बातें अकबर से ही संबंधित है। और आपको यहां पर ईयर देखना है और बताना है कि कौन से ईयर से सुमेलित नहीं है। अकबर के काल की अगर बात करें तो देखो अकबर के काल का 1560 से 62 का तक का जो पीरियड है यह ढाई माह के संरक्षण में रहता है अकबर। ढाई माह के संरक्षण में कहा जाता है कि काबुल के किले पर जब अकबर को लटकाया गया था तब वहां पर उसका भलन पोषण जो है, वहां पर उसकी रक्षा जो है वह ढाई माह ने की थी, इसीलिए इनको ढाई माह के नाम से जाना जाता था। 1560 से 62 तक का पीरियड है और यह जो पीरियड है यह पेटीकोट शासन कहलाता, पेटीकोट शासन। तो इस पीरियड में अकबर कुछ खास काम नहीं कर पाया था क्योंकि पेटीकोट शासन था। दीदी अंगा जो कि ढाई माह की बेटी थी, जीजी अंगा और आदम खां, इसके प्रभाव में था, इसीलिए अकबर इस ड्यूरेशन में ज्यादा काम नहीं कर पाया था। तो देखोगे ना उसका काम जो आपको दिख रहा है वो 62 के बाद ही दिख रहा है, क्योंकि 62 में ही उसका हरखा भाई, जिसको जोधा भाई के नाम से जाना जाता है, उसका विवाह हुआ था जो कि एक हिंदू थी। इसीलिए इसके मिजाज में काफी कुछ परिवर्तन होगा और आप देख रहे हो 62 के बाद से अकबर जो है वो काम करना शुरू करता है। आते ही सबसे पहले 1562 में दास प्रथा को समाप्त करता है। तो दास प्रथा की जो समाप्ति है वह 1562 में हुई थी, तो यह जो है बिल्कुल सही सुमेलित आपको दिख रहा है। दासों से हीन भावना से दासों को देखा जाता था, उनका धन परिवर्तन करवाया जाता था, विवाह हुआ था तो देखिए उसके नेचर में किस तरीके से परिवर्तन आ रहा था। दासों के साथ 1563 की अगर बात करें तो 1563 में तीर्थ यात्रा करके उसने समाप्ति की थी। हिंदुओं से जो कहीं भी तीर्थ यात्रा ले जाते थे उनसे कर लिया जाता था, और यही 1563 का समय है जब सती प्रथा की भी समाप्ति की गई थी जो कि 1560 में नहीं थी। और उसके बाद 1564 में जजिया कर की समाप्ति की गई थी, याद रखना 1564 में जजिया कर की भी समाप्ति की थी। यह भी किसने किया था, तो यह भी अकबर ने ही किया था, जबकि यह पहली बार लगाया गया था जो मोहम्मद बिन कासिम लगाया था जब उसने सिंध पर विजय प्राप्त की। तो अकबर ने 1564 में जजिया कर की समाप्ति की थी, हालांकि थोड़ा समय आसपास वो फिर से लगाएगा लेकिन वो नेग्लिजिबल है। उसके बाद जजियाकर जो है सीधा औरंगजेब के शासनकाल में लगता है। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि एक बार अकबर और उसके बाद सीधा औरंगजेब, ये जो बीच का समय था क्या यहां पर जजियाकर लग रहा था, तो नहीं लग रहा था। जहांगीर के शासनकाल में नहीं था, शाहजहां के शासनकाल में भी जजियाकर नहीं था। सीधा ये कब लग रहा है, तो औरंगजेब के समय में आपको लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, तो 1564 में जजियाकर की समाप्ति करने वाला कौन था, तो वह भी आपका अकबर था। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आंसर है आपका, यहां लिख देता हूं मैं साफ तरीके से, तो कौन सा यहां पर सही सुमेलित नहीं है, सी जो है सही सुमेलित नहीं। चलो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्न में से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था। इस प्रश्न को डिस्कस करते हैं, बदायूं, मानसिंह, टोडरमल और बीरबल, बताओ कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था। 9 नाम हमको याद होने चाहिए। तो अकबर के 9 रत्नों की बात करें तो 2 तो भाई हो गए, एक अबुल फजल, एक अबुल फैजी। अबुल फजल अबुल फैजी के बाद बीरबल और तानसेन, बिरबल तानसेन के बाद हकीम हुबान, मुल्ला दो प्याजा के बाद मानसिंह और टोडरमल, और मानसिंह टोडरमल के बाद अब्दुल रहीम खान खान। तो इनमें से क्या दिख रहा है, बिरबल भी था, टोडरमल भी था, मानसिंह भी था, कौन नहीं था, तो बदायूनी जो है वो अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था। 9 नामों को आपको यहाँ पर याद रखना। अगली बात हो रही है पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए, पहला युद्ध बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, दूसरा युद्ध अकबर वर्सेस हेमू 1556,
और तीसरा युद्ध जो है पानीपत का तृतीय युद्ध, वह 14 जनवरी सन 1761 में मराठा वर्सेस अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। यह बहुत ही भयंकर युद्ध था जिसमें कहा जाता है कि मराठों की एक पूरी की पूरी पीढ़ी यहां पर खत्म हो गई। तो यह जो है 14 जनवरी 1761 को हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बोल रहा है, किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? निम्न में से किसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया? कौन था? आसफ खां था, खुर्रम था, महाबल खां था और तीसरा था खुसरो। अगर बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर के दो बेटे थे। देखो विद्रोह की बात हो रही है जो जहांगीर के समय में हुए थे। एक बेटे का नाम था खुसरो और दूसरे बेटे का नाम था खुर्रम। खुसरो और खुर्रम में बड़ा बेटा जो था वो खुसरो था, और यह किसका बेटा था? तो यह मानबाई का बेटा था। जबकि जो खुर्रम है, खुर्रम, यह जगत गोसाई का बेटा था, जगत गोसाई। तो देखिए जहांगीर के काल में जो विद्रोह हुए उसमें खुसरो के विद्रोह पर हम चर्चा करते हैं। यह जो विद्रोह है 1606 में हुआ था, जबकि 1623 में जो विद्रोह हुआ था वह खुर्रम का विद्रोह था। खुसरो जो कि मानबाई का पुत्र था, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव के आशीर्वाद लेकर, अर्जुन देव का आशीर्वाद लेकर जहांगीर के खिलाफ विद्रोह का आगाज करता है और आगरा के किले से निकलता है, दिल्ली पंजाब होता हुआ लाहौर के किले पे आक्रमण कर लेता है और बाद में भैरावल का मैदान जालंधर पंजाब में जहांगीर खुसरो को पराजित करता है और अपने ही बेटे को अंधा कर देता है, यानी खुसरो को अंधा कर देता है, जो बाद में खुर्रम जो है यही 1622 में बुरहानपुर उत्तर प्रदेश में हत्या करेगा। किसकी? खुसरो की हत्या कर देगा। तो इस तरीके से खुसरो ने तो विद्रोह किया था, यह बात तो बिल्कुल सही दिखाई देती है, और खुसरो के साथ खुर्रम ने भी यहां पर विद्रोह किया था। और अर्जुन देव का क्या हुआ? क्योंकि बाद में अर्जुन देव ने संरक्षण दिया था, किसको संरक्षण दिया था? तो उसने खुसरो को संरक्षण दिया था और इसीलिए राजद्रोह का केस चलता है। 2,00,000 रुपए जुर्माना लिया जाता है और जुर्माना न दिए जाने पर 1606 में मृत्युदंड दे दिया जाता है अर्जुन देव को, जो कि एक महान भूल थी जहांगीर की। तो इस तरीके से यह था खुसरो का विद्रोह, 1606 में विद्रोह हुआ था। और महाबल खां ने भी 1626 के आसपास महाबल खां ने भी विद्रोह किया था। किसके खिलाफ? तो जहांगीर के खिलाफ। तो इन तीनों ने विद्रोह किया था, खुसरो, खुर्रम और महाबल खां, तीनों ने विद्रोह किया था। तो इसलिए यह उत्तर हो जाता है आपका डी। तो यह हमने डिस्कस किया जहांगीर के काल के कुछ विद्रोह जिसमें खुसरो जो है अहम है। चलो अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न है मुगल सम्राट, और आपको बताना है कि इनका मकबरा कहां कहां पर था। तो पहले तो मकबरा बनाएंगे बाबर का, बाबर के बाद अकबर का, अकबर के बाद जहांगीर का, और जहांगीर के बाद अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का मकबरा हम देखने वाले हैं। मकबरों की बात करते हैं तो पहले लेते हैं बाबर के बारे में। अभी हमने डिस्कस किया गया था, पहला ऐसा मुगल शासक जिसको आपने दो बार दफनाया था, पहले आरामबाग आगरा में और उसके बाद इच्छा अनुसार इसको आपने काबुल में दफनाया था, बाबर में इसको दफनाया गया था। और याद रखना कि बागों का शौक था किसको? बाबर को। तो जाहिर सी बात है इसका जो है वो तो काबुल में है, ये तो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, हमको सही सुमेलित है ये हमको बताना है। उसके बाद अकबर की बात करें तो अकबर का मकबरा कहां है? अकबर का मकबरा जो है वह सिकंदरा में है, सिकंदरा यानी आगरा में इसका मकबरा। यह एक ऐसा मकबरा है जो कि गुंबद विहीन मकबरा है, बौद्ध विहार के जैसा दिखाई देता है। देखो आपको मैं दिखा दूं, यह दिख रहा है आपको अकबर का मकबरा, देख रहे हो कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी गुंबद यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तो गुंबद विहीन मकबरा जो कि बौद्ध विहार के जैसा दिखता है वह किसका मकबरा है? तो वह अकबर का मकबरा है। तो कहां पर है? सिकंदरा में है। तो इसका मतलब यह है कि यह फतेहपुर सिकरी में नहीं है, यह मैच जो है वो गलत। जहांगीर का मकबरा, तो जहांगीर का मकबरा भी लाहौर में पड़ता है, रावी नदी के तट पर शाहदहा नामक जगह पर जहांगीर का मकबरा है। याद रख लीजिएगा, मैं दिखा दूं जहांगीर का मकबरा, तो यह आप देख रहे हो यह है जहांगीर का मकबरा। तो यह भी भारत से बाहर है, मतलब यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे आपने देखा कि बाबर का मकबरा जो है वो काबुल में है, उसी तरह जहांगीर का मकबरा कहां है? तो यह भी भारत से बाहर ही दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से यह वाला मैच जो है यह बिल्कुल सही मैच दिखाई पड़ता है, जहांगीर का मकबरा कहां है? लाहौर में। बहादुर शाह जफर की बात करें तो बहादुर शाह जफर का मतलब है 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह में जब इसको कैद किया गया था तो इसको जेल भेज दिया गया था। रंगून म्यांमार में इनका जो मकबरा है वो भारत से बाहर मिलता है, यानी कि दिल्ली में नहीं मिलता है, एक वृद्ध शासक था। तो इस तरीके से कौन से सही सुमेलित हैं? तो पहला और तीसरा जो है वही सही सुमेलित है। सो आंसर लग रहा है डी। अगला प्रश्न ले रहे हैं, अगला प्रश्न ये है कि सूची वन को सूची टू के साथ हमको सुमेलित करना है। पहला है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो यह घटना जो है वह 1576 को हुई थी। यह घटना जो है महाराणा प्रताप वर्सेस मानसिंह के बीच यह जो युद्ध हुआ था, अकबर की तरफ से लड़ रहे थे मानसिंह, महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच यह वाला युद्ध हुआ था।
वर्सेस मानसिंह के बीच 1576 में हुआ यह युद्ध था जिसको हल्दीघाटी युद्ध के नाम से जाना जाता है। वीर महाराणा प्रताप जिन्होंने अंत तक मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, चित्तौड़ विजय के बाद अगला टारगेट जो है वह महाराणा प्रताप की थे। हल्दीघाटी का युद्ध, नूरजहां के साथ जहांगीर का विवाह। नूरजहां का मतलब हो रहा है मेहरुन्निसा से। अकबर के शासनकाल में मेहरुन्निसा का परिवार जो है वह भारत आया था और उसके बाद 1611 में विवाह होगा किसके साथ, तो सलीम के साथ विवाह होगा जिसको आप जहांगीर के नाम से जानते हो। विवाह के बाद जहांगीर अपना सब कुछ जो है वो नूरजहां को सौंप देता है, मतलब मेहरुन्निसा से उसके बाद शादी के बाद वो नूरजहां कहने लगता है, सब कुछ सौंप देता है, अपनी सारी संप्रभुता जो है वह नूरजहां के हवाले कर देता है। यहां तक कि राजकीय अधिकार जो है हस्तक्षेप राजकीय मामलों में वह भी नूरजहां ही करने लग जाती है। तो एक चालाक औरत और बेहद ही खूबसूरत औरत जिसका नाम था नूरजहां, इसकी हमने यहां पर बातें की। अपने भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम इसके साथ खुर्रम का विवाह करवाती है। तो इस तरीके से चाल चलती है, नूरजहां भी काफी चालाक औरत थी। इसके पिता की भी बातें कर ले तो मिर्जा गयास जो है एतमदुल्ला की उपाधि दी जाती है इसको जहांगीर के द्वारा। तो एतमदुल्ला का मकबरा भी याद रखिएगा, एतमदुल्ला का मकबरा भी एक बहुत प्रसिद्ध इमारत है मुगल बादशाह मुगल वंश की। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो सफियों द्वारा कंधार विजय 1622 की घटना है, अधिक महत्वपूर्ण चीज नहीं है। और शिवाजी की मृत्यु तो हम सभी को अच्छे से याद होनी चाहिए, 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिख रहा है, पानीपत के तीनों युद्ध यहां पर दिखे गए हैं, पहला दूसरा और तीसरा, और इसका हमको मैच करना है। मैच तो साफ दिख रहा है, पहला युद्ध 1526, दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 और तीसरा युद्ध जो है 1761, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है 1, 2, 3। अरे और बात करेंगे, इतना पढ़ के नहीं छोड़ेंगे। बात करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो डिस्कस कर चुके हैं, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी था। 1526 में इस युद्ध को लड़ा गया था और मुगल सत्ता की भारत में स्थापना हुई। पानीपत के दूसरे युद्ध की अगर बात करें तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है ये हुआ था बैरम खान वर्सेस हेमू, क्योंकि अकबर की तरफ से जो लड़ रहा था वह कौन था, तो वह बैरम खान था। यहां अगर बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहां था, तो कलानौर में था और दिल्ली में अपना एक सूबेदार बनाया था जिसका नाम था तारबी बेग। हेमू ने आक्रमण किया और तारबी बेग को हरा दिया, पराजित कर दिया, बड़ी खतरनाक तरीके से पराजित किया था तारबी बेग को। हेमू का आतंक जो है वो सर चढ़कर बोल रहा था, कहा जाता है कि लड़ता था तो जमीन जो है पूरी रक्त रंजित हो जाती। एक अदम्य साहस और वीर वाला जो सैनिक था वह कौन था, आपका हेमू था। हेमू ने कब्जा किया दिल्ली पर और दिल्ली पर मुगल शासन के दौरान पहला हिंदू साम्राज्य, मतलब पहला हिंदू शासक कौन था, तो वह था आपका हेमू। विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि इसके पहले भी मैं बता चुका हूं, चंद्रगुप्त सेकंड जब उसने शक शासकों को हराया था और उसके बाद स्कंदगुप्त जब उसने हुणों को हराया था। और यहां पर आप देख रहे हो कि विक्रमादित्य की उपाधि हेमू यहां पर ले रहा है। इतना देखने के बाद तारबी बेग जो हराया वो सीधा पहुंचा कलंदे, गया बैरम खान के पास, गया अकबर के पास और बोला एक बहुत खतरनाक शासक हमारे पास आया है, इससे मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो। इतनी ज्यादा तारीफ करता है हेमू की बैरम खान जो है हत्या कर देता है तारबी बेग की और उसके बाद दिल्ली पर आक्रमण करने पहुंचते हैं बैरम खान, अकबर की तरफ से बैरम खान, और युद्ध हो रहा है हेमू। दिन था 5 नवंबर 1556 का, मैदान था पानीपत का और यह पानीपत का दूसरी लड़ाई लड़ी जा रही है। हेमू ऐसा व्यक्ति जो पूरा तरीके से कवर रहता है, सिर्फ उसकी आंखें खुली रहती हैं, अगर आप वार कर सकते हो तो सिर्फ आंखों पर वार कर सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि 1000 सैनिकों की एक टुकड़ी जो है सिर्फ उसकी आंखों पर टारगेट करने के लिए लगाई गई और दुर्भाग्यवश एक तीर उसकी आंखों पर लगता है और फाइनली हेमू का सफाया हो जाता है और यह युद्ध जो है पानीपत का दूसरा युद्ध कहलाता है 5 नवंबर 1556। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा वर्सेस अब्दाली, एक ऐसा युद्ध जिसमें मराठा परिवार से ऐसा कोई भी नहीं था जिसने बलिदान न दिया हो, एक पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म हो चुकी थी, ऐसा कहा जाता है मराठा का तीसरी युद्ध में। यह युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिख रहा है, शासन काल के क्रम में व्यवस्थित करना, किसको किसको, बाजीराव को, बालाजी को, बालाजी विश्वनाथ को और माधवराव को, मतलब अब मराठों की बात हम कर रहे हैं और मराठाओं में पेशवाओं की बात हमको यहां पर करनी है। मराठा शासन में पेशवाओं की बात करते हैं तो पहले जो पेशवा बने 1713 से 1720 तक, दूसरे बनेंगे 1720 से 1740 और तीसरे जो होंगे वो 1740 से 1761। इसमें पहला याद रखना, इनका नाम है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बाद अगले हैं बाजीराव प्रथम और बाजीराव प्रथम के बाद अगले जो है वो बनेंगे बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव जो है वो तीसरे पेशवा होंगे 1761 में और इन्हीं के शासनकाल में
तीसरा पानीपत का युद्ध हमको दिखाई देता है और उसके बाद बालाजी के बाद अगले जो पेशवा बनेंगे वह होंगे माधव राव। ये डिस्कस करने के बाद देखें तो पहले कौन दिख रहा है, बालाजी विश्वनाथ जो है पहले, फिर दिख रहे हैं बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद दिख रहे हैं बाजीराव प्रथम, और बाजीराव प्रथम के बाद हमको दिखेंगे बालाजी, ये तीसरे नंबर पे, और उसके बाद चौथे नंबर पे यानी कि लास्ट होने चाहिए माधव राव। सो करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है सी। तो मराठों का, तो पेशवाओं का ये सीक्वेंस याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न को डील करते हैं, अगला प्रश्न है ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। तो बात करते हैं चौथ की और सरदेशमुखी की, ये मराठा कर व्यवस्था की बात यहां पर हो रही है जिनके बहुत इंपॉर्टेंट कर होते हैं, एक होता है चौथ और दूसरा है सरदेशमुखी। देखो चौथ और सरदेशमुखी क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है चौथ मतलब एक बटे चार हिस्सा ये लेते होंगे। अगर मान लो मराठों ने किसी एक एम्पायर पर कब्जा कर लिया, किसी एक राजा पर कब्जा कर लिया, मान लो इसके पूरे स्टेट के पूरे राज्य को जीत लिया, और अगर इसके राज्य को जीत लिया और उसके बाद इसको ये मिला नहीं सकते, इसको अपने एम्पायर में मिला नहीं सकते क्योंकि काफी दूर है, तो इनको मिलाया नहीं जा सकता, मिलाने में कुछ दिक्कतें आ रही है, परिस्थिति ऐसी नहीं है कि इनको अपने साम्राज्य में मिलाया जाए, तो इसको इसका साम्राज्य जो है जो जीता है वो इसका साम्राज्य वापस कर दिया जाएगा, और वापस कर तो दिया जाएगा लेकिन उसके बदले में इससे जो टैक्स लिया जाएगा वो पूरे जो भी भू राजस्व ये साल भर में कलेक्ट करेंगे उसका एक बटे चौथाई हिस्सा इनको देना पड़ेगा। ये था इनका चौथ। तो यानी कि अन्य राजाओं द्वारा भू राजस्व का एक बटे चौथाई हिस्सा जो मराठों को दिया जाता था वही क्या होता था, आपका चौथ होता था। लेकिन अगर इन्होंने साम्राज्य को अपने में मिला लिया, अब देखो इनका यह भी कॉन्सेप्ट था, सरदेशमुखी के बारे में थोड़ा सा विवादित है लेकिन यह भी समझा जाता है कि मराठा ये समझते थे कि जो राज्य है वह राज्य इनके वंशज जो है, इनके पूर्वज जो है वो इस राज्य से संबंध रखते थे, इनके पूर्वजों के राज्य पर वह पर्टिकुलर जो किंग है वो वहां पर कायम है। मतलब समझ लीजिए जो मराठों के पूर्वज थे वो यहाँ के सरदेशमुखी कहलाते थे, वो उस क्षेत्र के सरदेशमुखी होते थे, इसलिए वांछित आधार पर कर जो है वो दिया जाना चाहिए, इसीलिए छोटा अमाउंट लेते थे, एक बटे दस लेते थे, इसीलिए एक बटे दस लेते थे। तो जिन क्षेत्रों पर मराठा वांछित अधिकार मानते थे, अपना वंश वाला अधिकार मानते थे, वहां पर उन पर लगाए जाने वाला कर जो है वह सरदेशमुखी कहलाता था। तो कम लोग है ना, 10% लोगे ना, यहां पर तो 25% ले रहे हो एक बटे चार, अगर आप उसको जीत रहे हो लेकिन मिला नहीं रहे हो। ऐसा भी माना जाता है कि अगर मराठों ने उस क्षेत्र को जीत लिया और किसी कारण से उन्होंने उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया, और अगर अपने साम्राज्य में मिला लिया तो एक बटे दस कर लिया जाता था, यह भी सरदेशमुखी के बारे में माना जाता। यहां पर आप अपने साम्राज्य में मिला नहीं रहे हो, वहां पर अपने साम्राज्य में ये मिला रहे हैं, परिस्थिति के अनुसार लिए जाने वाले कर थे। कोई जो साम्राज्य है वो चौथ के अंतर्गत आ जाता था, कोई साम्राज्य सरदेशमुखी के अंतर्गत आ जाता था, तो परिस्थितियों के अनुसार डिसाइड किया जाता था कि कौन सा क्षेत्र जो है वो चौथ के अंतर्गत आएगा या सरदेशमुखी के अंतर्गत आएगा। आप याद रखिएगा चौथ के मतलब एक बटे चार है और सरदेशमुखी का मतलब जो है वह एक बटे दस है, तो इसका संबंध तीन से हो गया। उसके बाद कुर्जापत्ती की बात करूंगा, यह जो कुर्जापत्ती है यह आर्थिक संकट के समय, यह जो है आर्थिक जब फाइनेंशियल डिफिकल्टीज चल रही है उस समय जो करदाता है वो अपने पूरे एक साल की इनकम के बराबर का अधिकार देगा, इसका संबंध सीधा सीधा किससे है, तो वह कुर्जापत्ती से संबंध है। और मोक्ष जो है वो सैन्य अधिकारियों से संबंधित है, वेतन के बदले उनको दिया गया भूमि का राजस्व वह क्या होगा, वह आपका मोक्ष होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है वह है ए। तो ये मराठों की कर व्यवस्था से संबंधित प्रश्न हुए। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को देखा है। तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।